भारत में हाल ही में आए कृषि बिल को लेकर खूब हंगामा हुआ। सरकार इसकी तरफदारी ये कहकर करती रही है कि बिचौलियों के चंगुल से किसान आजाद हो जाएगा, किसान अब अपनी मर्जी से किसी भी कीमत पर फसल बेच सकेगा। वहीं विरोधियों का तर्क है कि इससे कॉर्पोरेट्स हावी हो जाएंगे और किसानों का फसल पर से नियंत्रण खत्म हो जाएगा। दरअसल खेती से किसानों का नियंत्रण खत्म होने और कॉर्पोरेट्स का दखल बढ़ने से कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। पश्चिमी देशों की मिसाल से ये समझना बेहद आसान है कि आखिर क्यों कारोबारी नियंत्रण फसलों की उपज को कम करने का काम कर रहा है। अमेरिकी वैज्ञानिकों स्टीफन बुशमन और गैरीडी नाभान के मुताबिक दुनिया की 90% खाद्य फसलों का परागण करने वाले कीट पतंग और पक्षियों के कम होने से नुकसान हो रहा है। कीटनाशक, जंतुनाशक और खरपतवार नाशक जहरीली दवाओं के इस्तेमाल और जंगलों के खत्म होने से ऐसे हालात बने हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली तकनीक ने केचुए और सूक्ष्म जीवों की संख्या घटाई है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने में मददगार है। कृषि उत्पादन में इन सब के चलते कमी हुई और खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए मशीन का इस्तेमाल करने वाले बड़े फार्मों पर भरोसा बढ़ा। इससे अमेरिका और यूरोप में किसान परिवारों की संख्या तेजी से घटी, जिससे बड़ी कंपनियों के नियंत्रण में होने वाली खेती का रकबा बढ़ गया। ब्रिटेन में तो महज 30 वर्षों में ही कृषि फार्मों की संख्या 4.5 लाख से घटकर 2.5 लाख रह गई। इसी अनुपात में मशीन से बड़े फार्मों में होने वाली खेती बढ़ी है। अमेरिका की लगभग 50% कृषि भूमि 0.1% बड़े जमीन मालिकों के हाथ में है। जानकारों का ये भी मानना है कि छोटे किसान जिस तरह खेत और मिट्टी की सेवा कर सकते हैं, वैसी बड़ी मशीनों के लिए मुमकिन नहीं है। एक छोटा किसान जब फसल उगाता है तो पूरी प्रकृति उसका साथ देती है। जितने भी जीव जंतु, कीट पतंगे, जमीन के अंदर रहने वाले केंचुए, सब उसका साथ देते हैं। लेकिन जब एक कॉर्पोरेट या बड़ा किसान मशीनों के द्वारा, रासायनिक खादों के द्वारा, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों के द्वारा और कीटनाशकों के द्वारा जब अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उगाने की कोशिश करता है, तो प्रकृति का तो विनाश होता ही है, उसके साथ साथ भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो आगे के लिए प्रभावित होती है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन का मानना है कि प्रति एकड़ कम खर्च में उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता छोटे किसानों में कहीं ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक स्टडी के मुताबिक भूमि बंटवारे के असंतुलन को दूर करने से अलग अलग देशों में खाद्य उत्पादन को 10 से 80% तक बढ़ाया जा सकेगा। थाईलैंड की स्टडी के मुताबिक छोटे किसानों की प्रति एकड़ उत्पादकता 60% ज्यादा है। लैटिन अमेरिका के 6 देशों में छोटे किसानों की प्रति एकड़ उत्पादकता कई गुना ज्यादा मिली। अमेरिका में भी कृषि उत्पादकता के मामलों में छोटे फार्मों की प्रति एकड़ उत्पादकता ज्यादा निकली। छोटे किसानों की घटती भूमिका और खेती किसान के मित्र जीवों की गिरावट से खाद्य उत्पादन में कमी आई है। इसके साथ ही गलत बीजों का इस्तेमाल भी खेती को नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज मानव जो भी सक्षम है वो ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक में रुझान उनका है, क्योंकि जो रासायनिक खाद, रासायनिक बीज उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे मानव की सेहत को बहुत बड़ा खतरा है और प्रकृति को उससे भी बड़ा खतरा है। बेहतर है कि जल्दी से सचेत होकर छोटे किसानों को महत्व दिया जाए और छोटे किसानों द्वारा जो प्रकृति के मदद से फसल उगाई जाती है उसकी बेहतरी के लिए सरकार काम करे। इससे साफ है कि कॉर्पोरेट खेती का विरोध केवल नाम के लिए नहीं हो रहा, लेकिन सच्चाई ये भी है कि भारत में कॉर्पोरेट खेती को बढ़ावा देने का जिक्र भी कृषि बिल में नहीं है। ऐसे में उम्मीद यही है कि किसानों और खेती के तरीकों के महत्व को समझकर सरकार नीतियां बनाएगी, जिससे किसी भी तरह का नुकसान अन्नदाता को ना हो और ना ही देश की आम जनता को कभी भोजन की कमी का सामना करना पड़ेगा।